अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल नरवार स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ सऊदी अरब से इंटरनेशनल पैसे फ्री कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल बगैर टैक्स के। आप इस बैंक के थ्रू बिल्कुल फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई वैट नहीं लगेगा। आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्री जो है वो ट्रांजैक्शन है इस एप्लीकेशन की। तो ये बैंक का नाम है फ्रेंडली पे। फ्रेंडली पे के ज़रिए आप बिल्कुल फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है किसी भी मुल्क में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी कंट्री में आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता। जैसे कि दूसरे बैंक अलराजी है, एसटीसी पे है या कोई भी दूसरा बैंक है, सब अभी पैसे काट रहे हैं। आप 50 रियाल भेजें, 100 भेजें, आपके वो टैक्स जो 15 रियाल 20 रियाल है वो लगता है, वो काटते हैं ज़रूर। तो इस फ्रेंडली पे के ज़रिए ये है, आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा। कम से कम 60 रियाल भी आप भेजें तो आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री होगी, कोई 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो इसका पूरा तरीका अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपने फ्रेंडली पे की ऐप जो है वो रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें कैसे आपने इसको रजिस्टर करके इसका अकाउंट बनाना है, तो पूरा तरीकाकार इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। शुरू से लेकर एंड तक हमारी वीडियो देखिएगा। तो आइए इसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। पहले इस बैंक की फ्रेंडली पे के नाम से एप्लीकेशन है, आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। वहाँ पे आपको फ्रेंडली पे लिख के सर्च करना है तो सामने आपको नज़र आ जाएगी। तो इसका पूरा तरीका अगर मैं आपको बताता हूँ, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फ्रेंडली पे मैंने पहले डाउनलोड किया, ये सबसे नीचे आप देखिए फ्रेंडली पे लिखा है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने आपका जो मोबाइल नंबर है, जो आपके अकाउंट में भरा है, वो आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जिस पर आपकी आबशार बनी हुई है, जो आपके अकाउंट में पर बना हुआ है मोबाइल नंबर, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल पर 4 डिजिट का वो आएगा, OTP आएगा, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, हमारे पास कोड आ गया है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे अभी। तो यहाँ पर लिखने के बाद आपने ऊपर जो अकामा नंबर आ गया, नीचे डेट बर्थ है, आपका जो अकामा नंबर है वो लिखना है, और जो डेट बर्थ है आपकी अकामे के ऊपर है वही यहाँ पर लिखनी है। तो हम यहाँ पर ऊपर अकामा नंबर लिखते हैं, नीचे डेट बर्थ लिखते हैं। लिखने के बाद हम इसको जो है जनाब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको जो सबसे पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने पासवर्ड जो है वो इसका रखना है, जो आपने पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। तो कोशिश करें सबसे पहला जो होता है इंसा वो बड़ा लिखें इंग्लिश का, बाकी छोटी लिखें, और उसके बाद 1, 2, 3 लिख दें तो आपका पासवर्ड बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम जो है वो पासवर्ड लिखते हैं। ये देखिए हमारा पासवर्ड ओके हो गया, ये 3 टिक ग्रीन लगी हैं। उसके बाद नीचे एग्री करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद ये कह रहा है जी आप फेस लॉक लगाना चाहते हैं, नहीं है वो आप, मैं स्किप कर देता हूँ। अगर आपने लगाना है तो आप फेस लॉक वगैरह जो ऑप्शन आ रहे हैं वो स्किप करना, स्किप कर दें। अगर आपने लॉक लगाना है तो लगा लें, तो मैं इसको स्किप ही करता हूँ फिलहाल। स्किप करने के बाद जनाब आपने नफाज पर जाना, नफाज पर नफाज आपके पास डाउनलोड होना ज़रूरी है, उसको आपने क्या करना है, लॉग इन करना है, क्योंकि अभी कोई भी अकाउंट बनाओ। ये देखिए 49 आ गया हमारे पास, ये आपने जहन में रखना है। जब आप नफाज लॉग इन करने के बाद फेस जो है वो फेस पर जाते हैं, उसके बाद अच्छा इसमें जो मैंने फेस वाला हिस्सा था वो मैंने काट दिया है। इसके बाद जो मेरा फेस आएगा वो मैंने हिस्सा काट दिया है, क्योंकि फेस के ये देखिए मेरा फेस जो है ओके हो गया। इसके बाद तो दोस्तों, अगर आपका फेस एक बार क्लियर ना आए, मतलब फिर दोबारा ये ऐसे चलता जाए, तो आपने दोबारा बैक जाके फिर दोबारा इसको फेस पे आना है, ठीक है ना, आपका जो है ना वो हो जाएगा ओके। तो ये मेरा मोबाइल नंबर पे लगा है पासवर्ड, वो मैं लगाता हूँ यहाँ पे। तो जो 49 मैंने पीछे लगाया था वो आपने 49 याद रखना है, वही आप फेस ओके होने के बाद 49 वहाँ पर आएगा वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ दोबारा, अगर नहीं हो रहा था आपने बैक जाके दोबारा फिर इसको करेंगे ना ऑन, तो आपकी जो फेस वाली ऑप्शन है वो डन हो जाएगी। तो ये रेडी है, ऐसे ही आ रहा था, मैंने बैक जाके फिर दोबारा ऑन किया, फ्रेंडली पे मेरा जो है ना वो बन गया था। तो आपने ये एक दो बार ऐसे ही करना है, वापस जाके दोबारा इसको ऑन करना, आपका जो है ना फेस वो ओके हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये अभी जितने भी बैंक हैं उसमें ये ज़रूरी हो गया है। नफाज के ज़रिए आप अपना फेस जो है वो करेंगे, उसके बाद ही आपका अकाउंट बनेगा, ऐसे नहीं बनता। तो ये मैंने दो बार जाके, ये देखिए बैक जाके मैंने फिर ऑन किया, ये मेरा अकाउंट बन गया।
तो इसके बाद जनाब सैलरी आ गई, यहाँ पर आप अपनी सैलरी कोई भी सिलेक्ट करें, आप मंथली कितनी घर भेजते हैं या इसमें ज़्यादा भी कर लें या कम कर लें, इसमें इशू कोई नहीं है। तो मैं वैसे 3,000 से 5,000 या 4,000 से 5,000 करता हूँ, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। वैसे आप जितने भी लिखें इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इसमें पर्सनल सेविंग है, सैलरी है, वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपकी मंथली जो आप ट्रांसफ़र कर देंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। तो मैं ऊपर 4,000 से 5,000, नीचे 3 से 4,000 करता हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने जो काम करते हैं वो कौन सा काम करते हैं सऊदी अरब में, कोई भी यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लें, या आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पर लिख लें। तो यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर लें, या आप कौन सा काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वो अपने हिसाब से आप करेंगे। तो मैं जैसे कि समसा में काम कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ पर मैं समसा अप्लाई लिख देता हूँ। इशू नहीं है, आप कोई कंपनी का काम लिख दें, इसमें ज़्यादा इशू नहीं है, इनको बस रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी है। तो नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए हमारे यहाँ पर मंथली यूजिंग सैलरी, मंथली ट्रांसफ़र जो है वो मैं 2,000 कर सकता हूँ, मंथली डिपॉज़िट 2,000 कर सकता हूँ। तो 2,000 ये मैं भेज सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं भेज सकता, क्योंकि पीछे मैंने जो है ना वो इसकी लिमिट ही इतनी रखी थी। अगर आपने ज़्यादा भेजना हो तो लिमिट ज़्यादा कर लें, ठीक है। इसके बाद मैं डन करता हूँ। अगर आपने पैसे से ज़्यादा भेजना है तो आप पीछे जो सैलरी पर्सनल सेविंग है वो ज़्यादा रखनी है, ठीक है ना। डन करने के बाद ये देखिए मेरा अकाउंट जो है वो बन गया। ये ऊपर देखिए सबसे ऊपर एक्टिव लिखा हुआ है, मेरे मोबाइल नंबर के साथ एक्टिव लिखा है। मेरा जो फ्रेंडी पे अकाउंट है वो बन गया मेरे मोबाइल नंबर पर। तो इसकी मेन चीज़ मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जो पैसे बिल्कुल फ्री है टैक्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के एंड पे। तो ये नीचे मनी ट्रांसफ़र है, वो भी आप देख सकते हैं। तो मनी ट्रांसफ़र पर जाके हम यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा कैसे आपने बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो इस वीडियो में मिला आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका मैंने बताना था, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप कितने कम से कम इसमें 60 रियाल आप भेजेंगे तो आपके पैसे चले जाएंगे बगैर किसी टैक्स के। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए अभी 60 रियाल, कम से कम 60 रियाल है, 0 VAT टैक्स है, 0 सेंडिंग फीस है, बिल्कुल सब 0-0 है। और नीचे सिर्फ 60 रियाल और पाकिस्तानी ये 4,425 रुपये बनते हैं। तो ये प्रूफ है लाइव आप लोगों के सामने, कम से कम 60 रियाल का। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अकाउंट ऐड करने का, पैसे भेजने का तरीका, इसमें पैसे कैसे सेव करते हैं, वो सब कुछ आपको अलग-अलग बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने इतनी बनाई। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।